शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चैतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्रि का सप्तमी का दिन है और आज के दिन काल रात्रि का गायन पूजन सारे भारत भर में हो रहा है। काल रात्रि अर्थात मां काली का ही दूसरा स्वरूप है, जो हर प्रकार के असुरों को समाप्त करने वाली, अनेक प्रकार के आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने वाली, वर्तमान समय में नारी का ये स्वरूप वही होता है कि जब वो अपने परिवार के ऊपर कोई परिस्थिति, कोई मुसीबत आते हुए देखती है तो काल रात्रि की तरह खड़ी हो जाती है। उसके लिए चाहे खुद तपस्या करेगी, उपवास करेगी, सहन करेगी, सामना करेगी, लेकिन अपने परिवार पर कोई भी प्रकार के आंच नहीं आने देंगी। हर रीति से सुरक्षित रखने का संपूर्ण प्रयास करेगी। मां काली की तरह निर्भय साहस के साथ आगे बढ़ती है और हर असुर को खत्म करने के लिए जैसे खुद तैयार हो जाती है। वो उस वक्त न अपने विश्राम का ख्याल करती है, न अपने सुख सुविधा का ख्याल करती है, लेकिन हर मुसीबत को समाप्त करने के लिए जैसे शक्ति स्वरूपा हो जाती है। भारत के अंदर ऐसी अनेक वीरांगनाएं हो गई जिन्होंने देश पर भी अगर कोई मुसीबत आई, प्रजा के ऊपर कोई मुसीबत आई, तो उसको भी समाप्त करने के लिए, लड़ने के लिए सुसज्जित हो गई। इसलिए ऐसी वीरांगनाओं का भी इतना ही सम्मान और गायन किया जाता है, पूजनीय उसको माना गया है। तो हर नारी का यह स्वरूप जो परिवार को हर रीति से सुरक्षित रखती है और अगर कोई सदस्य के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो उसके साथ लड़ने की ताकत, उसके साथ युद्ध करने की शक्ति नारी के अंदर निहित है। परमात्मा शिव ने वो शक्ति उसके अंदर ऐसी भरपूर की हुई है जो कोई भी प्रकार की मुसीबत को सहन करते हुए, सामना करते हुए उसको पार कर सकती है। लेकिन हिम्मत नहीं हारती है, कभी भी टूटती नहीं है। दूसरे सदस्य भले टूटने लगे तो उनके लिए भी एक सबल बन जाती है, खुद ऐसा बल उनके अंदर भर देती है, लेकिन वो स्वयं कभी टूटती नहीं है। हर प्रकार की मुसीबत को पार करने की क्षमता
शक्ति परमात्मा शिव ने उसमें भरी है। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब मां काली मुसीबतों को समाप्त करने के लिए जब तांडव करना आरंभ कर देती है तो उसको रोकने के लिए भी शिव को उसके सामने लेटना पड़ा कि जब उसका पैर वहां लगता है तब इसका यह स्वरूप शांत होता है। अर्थात नारी एक ऐसी काली का स्वरूप धारण कर लेती है कि जिसके सामने अगर कोई भी आ जाए, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति वाला या आसुरी वृत्ति वाला व्यक्ति आ जाए तो उसको भी भस्म करने की ताकत रखती है। इसीलिए नारी के ऐसे स्वरूप से हर कोई भयभीत हो जाता है। कोई नहीं चाहता है कि नारी का यह स्वरूप हमारे सामने आए। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम भी अपने अंदर ऐसी शक्ति का निर्माण करें, ऐसी शक्ति से स्वयं को सुसज्जित करें कि हर मुसीबत को पार करने की शक्ति निर्भय होकर के साहस के साथ सारी क्षमताओं को बाहर ले आकर के उनको पार करें और सर्व को ये संदेश दे कि नारी हर रीति से शक्ति स्वरूप सबल है, वो अबला नहीं है। और इसीलिए आज के दिन हम यही स्वयं में दृढ़ संकल्प लेते हैं कि कभी भी किसी को अबला या कमजोर ना समझे। लेकिन अगर वो नारी काली का स्वरूप ले लेती है तो बहुत कुछ नष्ट कर सकती है, तांडव कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसीलिए हमेशा उसका आशीर्वाद वाला हाथ बना रहे हमारे ऊपर, यही प्रयत्न करते हैं। तो चलिए परमात्मा से वो शक्ति प्राप्त करें जिससे हम अपने जीवन के अंदर हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े और हर प्रकार की मुसीबतों को समाप्त करने के लिए, विघ्न विनाशक बनने के लिए वो शक्ति को स्वयं में धारण करें। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाहर की सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को शिव शक्ति के रूप में देखें। मैं परमात्मा शिव की चैतन्य शक्ति हूं। जिसमें अथाह साहस और हिम्मत है। सर्व विघ्नों को विनाश करने की क्षमता है। मैं विघ्न विनाशक निर्विघ्न आत्मा हूं। विघ्न को समाप्त कर सदा अपने जीवन को, अपने परिवार को निर्विघ्न बनाने वाली हूं। हर परिस्थिति में विजयी आत्मा हूं। ओम।
शांत।